दिल्ली में टीएमसी सांसदों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। दिल्ली में मंदिर मार्ग थाने में टीएमसी के 5 सांसद बैठे हैं। टीएमसी सांसदों का दावा है कि उन्हें हिरासत में रखा गया है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि उन्हें हिरासत में नहीं रखा गया है। हालात ये हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम टीएमसी सांसदों से थाने से बाहर जाने की इल्तिजा कर रही है। वो कह रही है कि इस थाने को खाली कर दे। और इसी बीच दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी में नेता सौरभ भारद्वाज टीएमसी सांसदों से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। अब आप देखिए, ये टीएमसी के सांसद हैं, मंदिर मार्ग थाने में बैठे हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, ये गाना गा रहे हैं। दिल्ली की पुलिस बेबस है। पुलिस ये कह रही है कि अब संसद मार्ग थाने को खाली कर दें, हिरासत में नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी सांसद है कि उठने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी इनका साथ देने के लिए मंदिर मार्ग थाने पहुंच गए। टीएमसी सांसदों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये देखिए जरा दिल्ली पुलिस की पहले अपील आप सुन लीजिए। डिटेंशन के बाद कल शाम को ही आपको फ्री कर दिया गया। अब आप इस गाने को, इस तस्वीर को आप धरना पॉलिटिक्स कह सकते हैं, आप इसे इलेक्शन से पहले के पॉलिटिकल ऑप्टिक्स कह सकते हैं, या फिर आप इनकी मांगों को जायज ठहरा दे सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं आपके सामने, लेकिन सच ये है कि ये जितने सांसद हैं अपनी मर्जी से इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले ही उनसे अपील कर चुके हैं कि आप ये थाना खाली कर दें, लेकिन टीएमसी के सांसद है कि यहाँ से उठने को वो राजी नहीं है। और जब विपक्ष की एक बड़ी टीम और सांसद अगर पुलिस के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही थी, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी एक मौका ही था। और इसलिए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी बिना वक्त गवाए एकदम से वहां पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने टीएमसी सांसदों का, जो यहां पर धरना दे रहे हैं, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, गाने गा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। टीएमसी सांसद इस वक्त मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में है या धरने पर है, आप खुद देखें। अंदर आइए ना सौरभ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सौरभ जी शुक्रिया। अरे माइक नीचे कर दो यार। बेस्ट विशेस एंड शुक्रिया। अकेले नहीं है, आप भी आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और आप सही लड़ रहे हैं, आप भी सही लड़ रहे हैं। आप सहमत है चार एजेंसी के हेड्स को हटा देना? बिल्कुल हटा देना, बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा कि आप ये लड़ाई सही लड़ रहे हैं। उधर से डोला सीन भी बोली कि आप भी बिल्कुल सही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने भी वहां से दोहराया, एक ही तरीके की स्क्रिप्ट दोनों ही नेताओं की है, टीएमसी की भी है, आम आदमी पार्टी की भी है। सौरभ भारद्वाज आगे आश्वासन देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। उधर से टीएमसी के सांसद कहते हैं हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि हम भी आपके साथ हैं, हम साथ साथ हैं कि कहानी यहाँ पर चल रही है। और इतना ही नहीं, इस वक्त सौरभ भारद्वाज को आप सुनेंगे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं तो हूँ ही, अभी और विधायक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बातचीत एक बार फिर से आपको सुनाती हूँ। था जो रोड ब्लॉक की थी उसके लिए डिटेन किया गया था, और मंदिर मार्ग थाने अंदर आइए ना सौरभ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सौरभ जी शुक्रिया। अरे माइक नीचे कर दो यार। बेस्ट विशेस एंड शुक्रिया। अकेले नहीं है, आप भी आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और आप सही लड़ रहे हैं, आप भी सही लड़ रहे हैं। आप सहमत है चार एजेंसी के हेड्स को हटा देना? बिल्कुल हटा देना, बिल्कुल बिल्कुल। आप अंदर आइए। बहुत सारे विधायक आ रहे हैं। अंदर जाओ मैडम, अंदर आइए।
अंदर आइए ना सौरभ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सौरभ जी शुक्रिया। अरे माइक नीचे कर दो यार। बेस्ट विशेस एंड शुक्रिया। अकेले नहीं है, आप भी आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं। हम भी लड़ रहे हैं और आप सही लड़ रहे हैं। आप भी सही लड़ रहे हैं। आप सहमत और बहुत सारे विधायक जाओ मैडम आगे जाओ। अंदर आइए ना सौरभ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सौरभ जी शुक्रिया। अरे माइक नीचे कर दो यार। तो आपने सुना, दिल्ली पुलिस एक तरफ अपील कर रही है, माइक पर कह रही है, टीएमसी सांसदों को कह रही है कि आप हिरासत में नहीं, आप जबरन थाने में बैठे हुए हैं, आप इस थाने को खाली कर दें, या अपील की जा रही है। वहीं इसके ठीक उलट सौरभ भारद्वाज हों, टीएमसी के सांसद हों, वो क्या कह रहे हैं कि जितनी जांच एजेंसियां हैं उन सबके हेड्स को हटाना है। अब जरा फिर से वो गौर से सुनिएगा, लेकिन पहले पुलिस की अपील सुनिए। सभी रेस्पेक्टेड एमपी और उनके साथीगणों से ये फिर से बताया जा रहा है कि कल आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के सामने जो वॉयलेशन किया था उसके रिगार्डिंग आपको कल डिटेन किया गया था। डिटेंशन के बाद कल शाम को ही आपको फ्री कर दिया गया था आईओ के द्वारा, लेकिन अभी तक आपने प्रवेशिस को नहीं छोड़ा है। आप सभी सेट फ्री हैं। आपसे फिर से कहा जा रहा है कि आप थाना प्रवेशिस को छोड़ दें और अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाएं। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आपको कल शाम को ही सेट फ्री कर दिया था। आप स्वेच्छा से यहां बैठे हुए हैं। आप थाना प्रीमिसेस को छोड़ के थाने को खाली किया जाए। कल अनपरमिटेड प्रोटेस्ट था जो रोड ब्लॉक की थी, उसके लिए डिटेन किया गया था और मंदिर मार्ग थाने में उनको ले जाके फ्री कर दिया गया था। इवनिंग में सनसेट से पहले ही बता दिया गया था कि वो फ्री है, लेकिन वो अपनी इच्छा से वहाँ बैठे हुए। बाहर भी गए, रात को गए हैं बाहर, अपना खाना पीना नहा धोना करके फिर वापस पुलिस स्टेशन में आए। तो तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई किस तरीके से, चाहे वो दिल्ली पुलिस से बार बार अपील कर रहे हैं कि हमने कल आपको हिरासत में लिया था क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन कल शाम को ही आपको छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आप लोग यहाँ जगह नहीं खाली कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे मंदिर मार्ग थाना से ही लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, सरवाह की तस्वीरें दिखाए और टीएमसी सांसदों की आखिर मांग क्या है, वो क्यों यहाँ मंदिर मार्ग थाने में बैठे हुए हैं डेरा डाल के? मीनाक्षी, देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आखिर जब पुलिस ने फ्री कर दिया सभी सांसदों को, सभी टीएमसी के नेताओं को, तो आखिर वो अब तक थाने में क्यों बैठे हुए हैं। हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान भी दे दिया। डीसीपी जो नई दिल्ली डीसीपी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने शाम को 6 बजे ही जो है वो सभी डेलीगेशन को जो है जाने के लिए कह दिया था। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये मंदिर मार्ग पुलिस थाना है। हालांकि सुरक्षा यहां पर थोड़ी बढ़ा दी गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का पहुंचना जो है वो यहां शुरू हो चुका है। सौरभ भारद्वाज जो है वो पहुंच चुके हैं, इस वजह से यहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन टीएमसी के नेताओं और टीएमसी का जो डेलीगेशन है उनका साफ यही आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनको शाम 6 बजे फ्री नहीं किया था, बल्कि कई जगह घुमाया मंदिर मार्ग थाने के नाम पर और रात के 12 बजे के बाद जो है वो कहा कि आप जाइए, उसके बाद जो है वो धरने पर थाने के अंदर ही बैठ गए हैं। लिहाजा हम जानते हैं कि कल शाम को जो है वो इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचे हुए थे टीएमसी का पूरा डेलीगेशन एक मेमोरेंडम देने के लिए, और टीएमसी के नेताओं की यही मांग थी कि जो देश में प्रमुख जांच एजेंसियां हैं उनके प्रमुखों को जो है वो बदलना चाहिए जिससे चुनाव में निष्पक्षता जो है वो निकल कर आए। विपक्ष के नेताओं को लगातार जो है जांच एजेंसियों के तरफ से परेशान किया जा रहा है। इस मांग को लेकर टीएमसी कल जो है वो पहुंचा हुआ था इलेक्शन कमीशन, जिसके बाद मेमोरेंडम देने के बाद वहीं धरने पर बैठ गए थे पूरा टीएमसी के जितने सांसद हैं। अगर सांसदों की बात करें तो आपको बता दें इसमें डोला सेन, डेरेक ओब्रायन, शांतनु सेन समेत जो हैं वो करीब 10 ऐसे टीएमसी के नेता हैं, कद्दावर नेता कह सकते हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, वो अभी इस वक्त सभी इस थाने के अंदर जो है वो मौजूद हैं। हालांकि थोड़ी देर में कह रहे हैं कि मीडिया से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद आगे की रणनीति जो है वो अपनी बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सांसदों का यही आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनको बहुत कल परेशान किया, कई जगह घुमाया। जी विशाल, आप रहिए हमारे साथ। और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि अगर किसी के ऊपर करप्शन के आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है इसलिए किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई जांच नहीं होनी चाहिए? दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज टीएमसी सांसदों से मिलने के लिए पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
दिल्ली सरकार में मंत्री आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज हैं। सर, टीएमसी के सांसदों को कल शाम से ही मंदिर मार्ग पुलिस थाने में वो हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमने हिरासत में नहीं लिया, हमने तो बोल दिया कि आप जा सकते हो, क्या कहेंगे? आप अपने कैमरेमैन से कहिए कि ये दरवाजा दिखाएं, दिखाओ भाई ये दरवाजा दिखाओ, ये दरवाजा बंद है, उसके ऊपर सारे के सारे पहरेदारी हो रही है, वो वाला दरवाजा बंद है और बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमने इन्हें छोड़ दिया, वो पागल है, वो लाखों लोगों ने उनको चुना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कौन लेके आया उनको, वो खुद आ गए यहाँ पे, ये खुद उनको लेके आए, गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया और अब बेवकूफ बना रहे हैं। ईडी है, सीबीआई है, एनआईए क्यों छापे मार रही है? इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया हुआ है, और क्या सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के ही छापे मारेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है जिसके ऊपर छापे मारे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, सिर्फ ये कोशिश है कि अपोजिशन की जुबान बंद कर दी जाए, अपोजिशन चुनाव ना लड़े, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। सर, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एनआईए की बात करें या ईडी की बात करें, इनके ऑफिसर्स पर हमला हुआ, उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल जो है सीआरपीएफ के 100 कंपनीज उनको डिप्लॉयड कर दिया गया है सेंसिटिव जोन मानते हुए, कैसे देखते हैं? देखिए, ईडी के और इन बड़ी बड़ी एजेंसीज के अधिकारी रंगे हाथों राजस्थान में और तमिलनाडु में पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। हो सकता है पैसे वैसे की डिमांड की हो, लोगों ने पीटा हो, हमें क्या मालूम है। जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए थे उनके ऊपर केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई करी, केंद्र सरकार ने कभी बताया? जिन कंपनियों के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे छिप के भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए ले लिए, उसकी कौन जांच करेगा? वहां ईडी कब जाएगी, वहां सीबीआई कब जाएगी? ये बेवकूफ बनाना बंद करो, अब देश को सब समझ में आने लगा है। जो नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज लोग उसको देख पा रहे हैं। विशाल पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल सर, वहां की तस्वीरें दिखाए, और जो बात सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि सांसद झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप जेल से रिहा कर दें, आप थाने से रिहा करते हैं और इसके बाद फिर दरवाजा लॉक करके रख दें, तो ये बाहर कैसे जाएंगे, इस बात में कितना दम है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं नई दिल्ली के, उन्होंने आकर मीडिया से मुखातिब होते हुए आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया कि हमने शाम को कल 6 बजे ही सभी टीएमसी के नेताओं को फ्री कर दिया था, हमने कह दिया था कि आप लोग जा सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया भी वो तस्वीर कि जब दिल्ली पुलिस के जवानों की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आप लोग इस परिसर को खाली कर दें, आप लोगों को जहां जाना है, अपने घर जाना है, वापस जाना है, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग पूरी तरह से फ्री हैं, लेकिन टीएमसी देखिए पूरा डेलीगेशन आपको यहां तस्वीरों में नजर आएगा। देखिए सभी सांसद जो हैं, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, शांतनु सेन समेत सभी नेता जो हैं टीएमसी के, वो यहां पर आपको परिसर के अंदर ही नजर आएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए जो है वो पुलिस परिसर का इस्तेमाल ना हो, तभी यही अच्छा होगा। देखिए सौरभ भारद्वाज पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि भाई इनको अंदर कैद करके रखा गया है, सभी गेट्स को बंद करके रखा गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल इसका उल्टा कह रही है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमने सबको फ्री कर दिया है, अब इनके ऊपर है कि अगर ये जाना चाहें तो जा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल शाम से ही ये सभी जो टीएमसी के नेता हैं वो यहां अंदर बैठे हुए हैं। अब ये धरना कितनी देर और जारी रहेगा, विशाल आप इस पर नजर बनाए रखेगा, और जैसा आपने जानकारी दी थी कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं से होगी, क्या कहते हैं, इस पर भी हमारी नजर है। और ये जो पूरा हंगामा आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरे एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है ऐसा लगता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ टीएमसी के सांसद मंदिर मार्ग थाने में धरना दे रहे हैं, केंद्र की तानाशाही रवैये के खिलाफ उनके पार्टी 24 घंटे तक धरना देने का ऐलान कर चुकी है, आज शाम 5 बजे तक ये धरना जारी रहेगा। तो वहीं ममता दीदी भी रणनीति अपनी साफ कर चुकी हैं, वो पश्चिम बंगाल में मंच से किस तरह से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं वो हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखें टीएमसी के सांसद मंदिर मार्ग थाने से क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या कहना है उनका। Our 24 hour dharna in front of the election commission's office yesterday after we the 10 member delegation of the EC went to meet the election commission our demand is remove the heads of NIA, CBI, IT and ED now.
remove the heads of CBI, IT, ED, NIA now. That's our demand. And for that, we were raising this in a peaceful protest. We were picked up by the police. We were shoved, pushed, manhandled. Our colleagues have sustained injuries. Ms. Dola Sen has already got a leg injury. We were then taken by bus to an unknown location. We protested. We were then brought here to this Mandir Marg police station. We spent the night in the police station. Now our 24-hour dharna continues until 5 p.m. today. एनआईए को लेकर टीएमसी केवल दिल्ली में ही पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, पश्चिम बंगाल में इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है और खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसकी कमान संभाली है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी ने एनआईए और सीबीआई को बीजेपी का भाई बताया और ईडी को इनकम टैक्स विभाग को बीजेपी को फंड मुहैया कराने वाला बॉक्स कहा है। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा, अगर बीजेपी में ताकत है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े और जीते। किंतु एक प्रधानमंत्री पक्षे ए भाषा की शोभा पाए जे चारों जून निर्वाचन हो गए चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, इनकम टैक्स ईडीआर इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंड फंडिंग बॉक्स फंड कलेक्शन यही तो चल रहा है। और इसको बाद में आप धमकी दे रहा है, किसको धमकी दे रहा है आप? हम लोग आपको डरते नहीं है। हमारा पांच लड़का अरेस्ट होगा तो उसको बीबी रास्ते में निकालेगा। आपने सुना ममता बनर्जी को और तस्वीरें हमने आपको मंदिर मार्ग थाने की भी दिखाई दिल्ली में। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ अपनी नजर के सामने रखकर सोचिए। एक तरफ टीएमसी पश्चिम बंगाल के 42 सीटों को अपने पास रखने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाती है। वो ये कहती हैं कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी इस वक्त केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और इसलिए जितने भी हमले किए जा रहे हैं, जितनी भी जांच चल रही है टीएमसी के नेताओं पर हो रही है, वो केंद्र के इशारे पर हो रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव से उनका ध्यान भटके और इस काम में उलझे रहे। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर मंदिर मार्ग थाने की, जहां पर टीएमसी के सांसद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को हम यहां से एक मैसेज देना चाहते हैं। इस बीच सौरभ भारद्वाज पहुंचे, उन्होंने कहा गेट बंद है तो टीएमसी के नेता निकले कैसे? इस दावे की क्या सच्चाई है? विशाल पांडे बता रही है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस वक्त हम परिसर मंदिर मार्ग थाने परिसर के ठीक बाहर मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये टीएमसी का डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर आपको बैठा हुआ नजर आएगा। कुर्सियों पर जो है वो आराम से टीएमसी के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके ठीक पीछे इस तरफ अगर चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस गेट पर जिस गेट से एंट्री और एग्जिट जो है वो मंदिर मार्ग थाने की वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। चलिए देखते हैं, चलकर वहां पर जाने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको अंदर कैद करके रखा गया है या फिर ये जा सकते हैं। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए मीनाक्षी, तो दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि डीसीपी ने ये कहा, नई दिल्ली डीसीपी ने, कि हमने तो इनको कल शाम को ही फ्री कर दिया था। ये लोग कुछ इनके टीम में कुछ लोग बाहर भी गए थे खाना वाना खाने के लिए, नहाने के लिए, और फिर वापस भी आ गए। तो हमने किसी भी तरीके से कोई बंदिश लगाकर या रोक कर नहीं रखा हुआ है। देखिए यहां पर हालांकि गेट बंद है और आपको तस्वीरें दिखा दी, ये गेट इसलिए बंद है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता पहुंचे हुए हैं उनको अंदर ना जाने दिया जाए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए। अगर आप कह रहे हैं कि वो उनको रिहा कर दिया है तो यहाँ पर आपको सागरिका घोष भी नजर आएंगी। गेट खोलिए, उठ कूद के जाइए।
कूद के जाइए, कैसे जाइए, आप अपने घर जाइए, हमने आपको ऐसे अ पुलिस स्टेशन इज ओपन टू द पब्लिक, इट्स अ पब्लिक स्पेस, हाउ कैन यू स्टॉप अ सिटीजन फ्रॉम गोइंग इनटू द पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन नागरिकों के लिए होता है। एक मिनट विशाल, क्या सागरिका घोष ये कहना चाह रही हैं कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाना चाहती हैं और पुलिस ने दरवाजे इसलिए बंद कर रखे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि सांसद अंदर जाएं? ये तो मीडिया वाले आप आईडी देखिए, एमएलए एमपी कोई आम आदमी थोड़ी है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें इस वक्त तस्वीरें हैं, आप बात करें अगर सागरिका घोष की तो सागरिका घोष भी टीएमसी डेलीगेशन में शामिल हैं, वो भी उन 10 नेताओं में थी जो कल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर गए थे मेमोरेंडम देने के लिए और धरने पर बैठ गए थे। सुबह जो है सागरिका घोष थाने के अंदर ही थी, उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इस वक्त सागरिका घोष जो है वो बाहर गई थी, खाना वाना खाने के लिए गई थी और फिर वापस आई है, लेकिन इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से यहां पर गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं वो भी अंदर ना जाने पाए, ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि राजनीतिक मकसद से पुलिस परिसर का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए, ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस चाह रही है। देखिए सागरिका घोष क्या कह रही है, हम सुनाने की कोशिश कर। विशाल, मैं जरा दर्शकों के लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी आपसे चाहती हूं। सागरिका घोष धरने पर बैठी हुई थी, उन्होंने तमाम बातें कही कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर केंद्र सरकार चलाने की कोशिश कर रही है और हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, और फिर वो खुद बाहर चली गई। फिर जब वो बाहर चली गई तो पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए कि अब आपको अंदर नहीं आने देंगे, तो अपना काम होगा तो बाहर भी जाएंगी और जब मन होगा तो पुलिस स्टेशन में आके वो धरना भी देंगी। क्या इसका मतलब हम ये समझे वो दरवाजे के इस पार है या उस पार है, वो धरना स्थल पर है या दरवाजे के बाहर है? देखिए मीनाक्षी, वही सबसे बड़ा सवाल है कि जब उनको बाहर भेज दिया गया, जब आजाद कर दिया गया, तब वो वापस अंदर क्यों जाना चाहती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि वो सुबह पुलिस थाने के अंदर थी और उसके बाद वो खुद अपने मनमर्जी से जो है वो बाहर निकली। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ खाने जा रही हूं, बाहर जा रही हूं, और फिर वो वापस इस वक्त आई है, अब थाने के अंदर जाना चाह रही है लेकिन दिल्ली पुलिस जो है उनको अंदर नहीं जाने देना चाह रही है। और आपको बता दें कि डीसीपी जो है नई दिल्ली के, उन्होंने भी यही बयान दिया था कि राजनीतिक मकसद से पुलिस परिसर का जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, पुलिस थाने परिसर का इस्तेमाल ना किया जाए, ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित कर रही है, इसीलिए हाथ से कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा भी जो है वो बढ़ा दी गई है। जी जी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए, और आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम जरूर लेंगे।